क्या तैयारियां दिख रही है, कैसा? अरे अद्भुत एवं दिव्य दीप, अद्भुत एवं दीप दीपोत्सव, पहली बार राम मंदिर के स्थापना कर, 500 साल का इंतजार है, क्या भावना दिख रही है साधु संत? भावना साधु संत एकदम हर्षोल्लास के साथ अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, और पहली दीपावली जो है सो की यहाँ पर मनाई जा रही है, जो कि दिव्य एवं भव्य तरीके से मनाई जा रही है। अयोध्या किस रंग में दिख रहा है आपको साधु, क्या बात करते दिख रहे हैं? और अयोध्या अब तो भगवान जहाँ राम की जन्म स्थली हो, वहाँ साधु संत क्यों नहीं इस तरह के अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए ये लोगों के मन का भाव है, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बक्सर बिहार से, बक्सर बिहार, बिहार यूपी अयोध्या लखनऊ, क्या शहर क्या किस्से, तमाम बातें यहाँ पर है। हर आदमी के अपने भाव हैं, और अयोध्या को लेकर भाव भी क्यों ना हो, जो यहाँ घटनाक्रम घटा, जो दासता, जो द्वंद यहाँ के लोगों ने झेला है। इस बार की दिवाली तो और भी खास है, क्योंकि जो इंतजार था भगवान राम के भव्य मंदिर का, वो इस बार बनकर तैयार है। तो इस बार तो बहुत खास दर्शकों के लिए भी है, श्रद्धालुओं के लिए भी है, खुद मुख्यमंत्री के लिए भी है, क्योंकि हर बार जब वो जाते थे दीपोत्सव के मौके पर तो बता के आते थे लोगों को कि मंदिर इतना बन चुका है, इतना बनने वाला है। लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे होंगे तो उनके पास जवाब होगा कि देखिए हमने बना के तैयार कर दिया। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो ये जो सिलसिला है दीयों का, दीपोत्सव का, वो शुरू हुआ था मात्र 125,000 दीयों से, और सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज पहुंच आया 28,00,000 दीयों तक। तो ये सरकार ने भी रिकॉर्ड बनाया है, और अयोध्या वासियों ने इसमें जो चार चांद लगाए इस बार, वाकई में देखने के लायक है। जय, जरा तस्वीरें दिखाई दर्शकों को। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बात भी हम आपको तमाम बता रहे हैं। देखिए इस सड़क पर वो झांकियां अभी भी हैं, और इन झांकियों को लेकर जो तमाम बच्चे पहुंचे थे वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के बीच में तमाम जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, इन श्रद्धालु। और देखिए यहाँ पर लल्लू सिंह भी संभवतः हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सर आज के लिए कहिएगा, आज क्या कहिएगा आज के दीपोत्सव पर्व पर, 500 साल का इंतजार आज पूरा होता दिखाई दे रहा है? नहीं, 500 साल के बाद तो फरवरी में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हुई, उसके बाद यह पहला दीपोत्सव स्वाभाविक रूप से। लल्लू सिंह जी, आप तो सांसद रहे हैं यहाँ से, आज ये जो पूरा दिख रहा है आपको इंतजार इतना लंबा, आज मंदिर भी है, दीपोत्सव भी है, क्या भावना आ रही है, साधु संत क्या कह रहे हैं आपसे? पूर्व साधु संत ही नहीं, पूरा देश हर्षोल्लास और प्रभु श्री राम का इसी प्रकार से भव्य प्रकार से स्वागत हो, सम्मान हो, ये सब। देखिए पूर्व सांसद हैं अयोध्या के लल्लू सिंह जी, और वो भी अपनी बात कहते हुए अपनी भावना कहते दिखाते रहे। आप तो अयोध्या वासी हैं, जरा कहाँ से आए आप? अयोध्या से। अयोध्या से हैं, जरा बताइए क्या भावना अयोध्या के लोगों में आज है, इंतजार पूरा हुआ है? ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है, पिछले 500 सालों की तपस्या जो है आज सार्थक हुई है, ये हमारे अयोध्या वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय। सौभाग्य की बात बता रहे हैं, जरा साधु संतों से बात करते हैं। महाराज जी देखिए ये वैरागी हैं तमाम, ये वैराग्य का भाव, वैराग्य के भाव के बीच में ये जो आज उत्सव दिखाई दे रहा है, क्या साधु के मन में भाव आ रहा है? बहुत बढ़िया है, और हम अजय लगातार दूर दराज से लोग आए हैं और अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार यहाँ पर पूरा हुआ है। और आज की दिवाली, इस बार की दिवाली बेहद खास है, क्योंकि कई पीढ़ियों का इंतजार यहाँ पर पूरा हुआ है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, दिवाली पर प्रदूषण पर ज्ञान देने वालों को बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि राजधानी में प्रदूषण कोई नया नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 घंटे पटाखों को फोड़ने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा, ये हजम नहीं होता है, ये सनातन विरोधी सोच है। क्या कुछ कह रहे सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए आप। दिल्ली में प्रदूषण अभी से बढ़ा हुआ है, राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रही, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं, फिर भी प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा हुआ है? पटाखे छोड़ने पर कोर्ट के आदेश और सरकार के आदेश का सब पालन करेंगे, मगर जिस प्रवृत्ति के चलते हुए सारा का सारा आक्षेप लगाया जाता है, यह दर्शाता है कि प्रदूषण के वास्तविक कारणों पर नियंत्रण देने की बजाय साल में एक दिन 8 बजे से 12 बजे तक की घटना पे सारा का सारा ठीकरा फोड़ने का जो विचार है, यह भी कहीं ना कहीं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रेरित।
त्रिवेदी को सुना आपने। इस बीच बड़ी खबर दरअसल आ रही है, दुष्प्रचार गैंग पे बाबा बागेश्वर का गुस्सा फूटा है। उन्होंने बड़ा हमला किया है और कहा है कि होली दिवाली ही निशाने पर क्यों आते हैं। उनकी ओर से बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा गया कि सनातन त्योहार से कुछ लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, यानी कि हर बार त्योहारों को लेकर के जो बड़ी बात कही जाती है प्रदूषण को लेकर के, उसको लेकर बाबा बागेश्वर ने बड़ा हमला बोला। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अति से ज्यादा प्रदूषण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन केवल दीपावली पर ही बैन क्यों? होली और दीपावली पर ही टारगेट क्यों? अन्य त्योहार भी तो है। सनातनियों के त्योहारों पर केवल उंगली उठाए जाने पर हमारे अंदर रोष है। हम किसी से भी नाराज नहीं है, न किसी भी सरकार से नाराज है, न किसी भी नेता से नाराज है, न किसी के बयानों से। हम इस बात पे नाराज हैं कि केवल सनातनीय हिंदुओं के जब भी त्योहार आते हैं तब क्यों? अन्न भी तो होते हैं, 1 जनवरी भी तो होती है, उस दिन क्यों नहीं बैन किए जाते हैं? अलग अलग फेस्टिवल, क्रिसमस डे भी तो होता है, उस दिन क्यों नहीं बैन किए जाते हैं? बकरीद के दिन हिंसा क्यों नहीं बैन की जाती है? अगर सनातन हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो आप तुरंत जो है लॉ निकाल देते हैं, कानून निकाल देते हैं, आप तरह तरह की बातें करने लगते हैं, फिर डिबेट होती है, आपको मजा आता है। हमारा उद्देश्य है भारत में हिंदू मुसलमान ना हो, सबको अपने अपने त्योहारों को मनाने का अधिकार है। तो सनातनीय हिंदुओं को भी त्योहार मनाने का अधिकार है, इसलिए हैप्पी दीपावली। हम तो सुतली बम फोड़ेंगे। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी, आपको बता दें, पटाखे बैन का पूरी तरीके से समर्थन किया है और ये कहा है कि हम अगर पटाखे बैन को लेकर समर्थन करेंगे तो इससे दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और ये हम सबके लिए ठीक है। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा वो आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उसको, उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है, सबकी सांसें जरूरी है, सबकी ज़िंदगी ज़रूरी है। यहाँ पे देखने को मिल रही है इस बीच बड़ी बात दरअसल दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो अयोध्यावासी है वो जोश में है, उत्साह है, उल्लासित है, सीधे रुख करते हैं सहयोगी अजय का। अजय, जिस तरीके से वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री कुछ देर पहले राज्याभिषेक कर रहे थे, फिलहाल क्या चल रहा है वहां पे? देखिए माहौल यहाँ का, अयोध्या का पल पल जो है यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के बीच में अलग अलग बातें हैं। हमारे संग कुछ लोग मौजूद हैं। जरा आप एक भजन सुना रही थी, उस भजन और उस भावना से फिर से बात। बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सहिता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, भरत भैया के दिल सूखा। अब भरत भैया, अरे भरत भैया हो गए बवरिया, हो राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुति सुत में कपि हनुमाना, मारुति सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आए नगरिया, राम आए नगरिया। आपने कुछ सुना रही,
क्या भाव आ रहा है आज के दिन मन में, क्या भाव? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खुश है हम लोग। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग अयोध्या के रहने वाले हैं, और इनसे बेहतर इस दिन के सुख को, इस दिन के अवसर को, इस दिन के जो छटा है उसे कौन समझेगा और उसे कौन बताएगा? जो भजन भाव है गुनगुनाया तो बहुत अच्छा है।